नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टार डेल्टा टाइमर स्टार्टर में जो टाइमर यूज होता है वो कैसे वर्किंग करता है वही जानेंगे। उसके लिए हमने एक स्टार डेल्टा टाइमर लिया है, ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में जान लेते हैं कि कैसे वर्किंग करता है। ये इसके तीन टर्मिनल है, तीन इधर है और तीन इधर है, छः टर्मिनल है। ये जो टाइमर के अंदर पावर जाएगी वो है ये इधर, और इधर फेज कनेक्ट हो जाएगा और इधर न्यूट्रल, ये कॉमन है, और ये NO और NC, NO NC, जो NO से NC होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो है बीच में एडजस्टमेंट, जो ये टाइम सेट करने के लिए है 3 सेकंड से 60 सेकंड तक। हमको अगर जो स्टार से डेल्टा में शिफ्ट करना है वो कितने सेकंड बाद करना है ये इसमें सेटिंग है, इसको घुमाएंगे तो सेटिंग होगा। ये वर्किंग कैसे करता है उसके लिए हमने दिखाने के लिए ये दो इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। एक इंडिकेटर स्टार्ट में टाइमर, जब रेड कलर का इंडिकेटर हम स्टार के लिए और डेल्टा के लिए ग्रीन कलर का, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फिर इसकी वायरिंग करके देखते हैं, इसको एक बार थोड़ा घुमा लेते हैं इधर उल्टा। एक वायर हम इधर कनेक्ट कर देंगे जो स्टार के लिए, स्टार कॉन्टैक्टर में जो जाएगी, स्टार कॉन्टैक्टर की जगह हम ये इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, और एक वायर हम जो डेल्टा में कन्वर्ट होगा ये ग्रीन कलर का कनेक्ट कर लेते हैं। पहले स्टार वाला करते हैं, और ये ग्रीन कलर का जो इंडिकेटर है उसकी वायर है। अब हम इसमें जो टाइमर के अंदर पावर जाएगी उसमें वायर कनेक्ट करते हैं। A1 में फेज कनेक्ट कर देंगे, ये टाइमर के लिए हमने फेज कनेक्ट कर दिया A1 में, और A2 इधर है, इसमें हम न्यूट्रल के लिए, जो टाइमर में न्यूट्रल जाएगा उसके लिए वायर इधर कनेक्ट कर देते हैं। और ये इंडिकेटर के लिए न्यूट्रल की वायर ब्लैक कलर की, इसको बाद लगा देंगे। अब हम जो इंडिकेटर में स्टार और डेल्टा, ये स्टार इंडिकेटर और डेल्टा इंडिकेटर, ये दोनों में हमको पावर जाने के लिए एक इधर ही कॉमन में लूपिंग कर देंगे ये फेज के साथ।
एक कॉमन में इधर लगा लेते हैं, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। और अब हम इसमें पावर में कनेक्ट कर देते हैं ये वायरें, फेज और न्यूट्रल। ये न्यूट्रल न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देंगे, ये दोनों ले लेते हैं हम, और एमसीबी में इधर कनेक्ट कर देते हैं। ये इधर हमने फेज न्यूट्रल कनेक्ट कर लिया जो टाइमर में आया है, इधर फेज और इधर न्यूट्रल, ये एमसीबी में कनेक्ट किया है। और ब्लैक कलर की वायर जो इंडिकेटर में न्यूट्रल गया वो वाली वायर कनेक्ट की है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसकी पावर ऑन करेंगे। जैसे ही पावर ऑन करेंगे तो स्टार में पहले मोटर स्टार में चलती है तो ये वाला इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। जितना हम टाइम सेट करेंगे उसके बाद उस टाइम के बाद ये ऑफ हो जाएगा, यानी कि स्टार से डेल्टा में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ग्रीन कलर का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। ऑन करते हैं अभी इसको। ये देखिए हमने 3 सेकंड पे सेट किया है, 3 सेकंड के बाद ये चेंज हो जाएगा। ये देखिए स्टार से डेल्टा में, स्टार कॉन्टैक्टर अगर यहाँ स्टार की जगह यूज करते स्टार कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा और डेल्टा ऑन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ऐसे ही हम इसकी सेटिंग बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। कम तो 3 सेकंड से कम नहीं होगी, बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए हम 12 सेकंड पे अगर सेट करते हैं इसको, अब ये 12 सेकंड तक स्टार में चलेगी, उसके बाद डेल्टा में कन्वर्ट होगी ये स्टार में, और 12 सेकंड के बाद ये टाइमर उसको डेल्टा में शिफ्ट करेगा, यानी कि ग्रीन कलर का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा डेल्टा में। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में बताना। जय हिंद।